और हालांकि इन शुरुआती रुझानों में इतना साफ है कि कांग्रेस के लिए कहीं से अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक तो मोर्चा जो लेफ्ट के साथ बनाया पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी दिख नहीं रहा है कांग्रेस और लेफ्ट मोर्चे के लिए। 84 सीटों के अभी तक रुझान आए हैं, चाहे पोस्टल बैलेट के हों, सिर्फ एक पर कांग्रेस का मोर्चा जो है लेफ्ट के साथ जो है वो आगे चल रहा है। असम में जहाँ वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, वो बीजेपी से पीछे चल रही है। पुदुचेरी में बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर चल रही है जहाँ सत्ता में थी कांग्रेस, और डीएमके के साथ जरूर आगे है तमिलनाडु में, लेकिन असम में 12-8 का स्कोर चल रहा है। अभी शुरुआती रुझान है लेकिन अभी भी पीछे चल रही है। लेफ्ट के साथ 53-32 का आंकड़ा चल रहा है केरल में। केरल में सत्ता में आने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, वापसी की कोशिश कर रही थी, राहुल गांधी ने काफ़ी मेहनत की वहाँ पर, काफ़ी दिखे, लेकिन उस तरह से नतीजे आते नहीं दिख रहे हैं। चाहे शुरुआती रुझान हो चाहे पोस्टल बैलेट के हों, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस के लिए अभी तक कोई अच्छे संकेत इन पांचों में किसी राज्य से नहीं मिल रहे हैं। अब आ जाइए दूसरा जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें, अगर इन पांचों में जहां जहां वो जिस जिसके साथ है, अकेली वो बीजेपी पश्चिम बंगाल में टक्कर दे रही है तृणमूल को, कांटे की टक्कर चल रही है लेकिन अच्छी टक्कर दे रही है। उधर एनआर कांग्रेस के साथ पुदुचेरी में वो कांग्रेस गठबंधन को टक्कर दे रही है, हालांकि डीएमके के साथ जो उसका तमिलनाडु में गठबंधन है वहाँ वो ज़रूर पिछड़ रही है डीएमके से, और केरल में कुछ बीजेपी के हाथ आते नहीं दिख रहा है, लेफ्ट और कांग्रेस की ही लड़ाई दिख रही है, लेकिन असम में सत्ता बचाने की तरफ बढ़ती दिख रही है शुरुआती रुझानों में। तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबरें, मिक्स खबरें भी हैं, अच्छी भी हैं। अच्छी असम में उस लिहाज से कि सत्ता बचाने की में आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। उधर पश्चिम बंगाल में तो पूर्व से बीजेपी के लिए अच्छी खबरें, दक्षिण से उतनी खास नहीं, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें। चेहरों की बात करें, ओमन चांडी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री केरल के, वो आगे चल रहे हैं पुतुपल्ली से, और पिनरई विजयन भी मुख्यमंत्री जो मौजूदा हैं वो आगे चल रहे हैं धर्मडम से। तो ओमन चांडी और पिनरई विजयन दोनों आगे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों पर, ये उम्मीद भी की जा रही थी कि दोनों आगे चलेंगे, लेकिन के सुरेंद्रन जो केरल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। उधर एन रंगसामी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के जो बीजेपी के साथ हैं इस वक्त, वो पुदुचेरी में अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। अखिल गोगोई निर्दलीय सीएए के विरोध से सुर्खियों में रहे थे, वो शिवसागर सीट से आगे चल रहे हैं समझे। ये एक अच्छी बड़ी खबर इस लिहाज से कि अच्छी तो ये है कि अगर आप जिस तरफ हों जो आपकी सोच हो उसके लिहाज से, लेकिन बड़ी खबर इस लिहाज से कि सीएए का विरोध अखिल गोगोई ने काफ़ी किया वहाँ पर, उस वजह से सुर्खियों में रहे, और फिर निर्दलीय शिवसागर से, निर्दलीय गया मतलब अपने ही एक दल बनाकर वो शिवसागर से उतरे हैं और आगे चल रहे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान है। आशिका के पास चलते हैं, आशिका में बुला रहे हैं। जी आशिका, क्या हो रहा है वहां पर? मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूं किशोर, एक फैन जो है ममता बनर्जी के, वो यहां पर, इनको मैंने अक्सर रैलियों में भी देखा है, वो यहां पर आए हुए हैं और हाथ में पोस्टर है ममता बनर्जी का जिस पर लिखा हुआ है कि खेला शेष, जो कि आप जब आए थे यहां पर काफ़ी समय आपने भी बताया, खेला हो बे का नारा आप लगातार सुन रहे थे। अब जो ये पोस्टर हाथ में है उसमें खेला शेष लिखा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको अगर फिर से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वो पोस्टर है जिस पर खेला शेष लिखा हुआ है, और साथ ही शरीर पर भी तृणमूल कांग्रेस का रंग लगा करके ये जो यहाँ पर कार्यकर्ता कहें समर्थक करें आए हुए हैं, इनको भी हालांकि पुलिस यहाँ से लगातार जाने को कह रही है, और उम्मीद है इनको कि 200 के आसपास तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सूत्र जो बता रहे हैं, ममता बनर्जी भी लगभग कॉन्फिडेंट हैं कि 180 के पार सीटें जाएंगी टीएमसी की, और लगभग यही कहना बीजेपी के सभी नेताओं का है। तो कहीं ना कहीं ये सभी नेता मान रहे हैं कि जो भी नतीजे आएंगे मेजॉरिटी की सरकार होगी, न कि अधर में लटकी हुई कोई सरकार होगी। और इसके अलावा जो यहाँ इस इलाके की तस्वीरें मैं दिखाऊं, या फिर ये जो फैन जिनको मैं लगातार, आप जरा ये पैकेट हटा करके ये पोस्टर दिखाइए पूरा, और ये शरीर पर क्या बना रखा है? ये गुप्पीकान बागाबाइन बांग्ला बोई देखा है, सेगुली खाच्छे और पेशोने होच्छे तुम्हारे। तो दीदी जीतबे की? दीदी 100% दीदी जीतबे।
कितना सीट पाएगा? 200 सीट पाएगा दीदी। इनको आशिका बता दो अभी दीदी पीछे चल रही हैं। ऐसी ये आज आपको एक ही इनको बता दो अभी दीदी पीछे चल रही हैं। 50-48 है लेकिन पीछे हैं। पीछे चल रही है जो रुझान आ रही है टीएमसी तो थोड़ा पीछे चल रही है। पीछे आते वो ठीक है वो लास्ट एक मिनट 200 सीट पाएगा तो 200 का आंकड़ा यहाँ इन्होंने अपने खैर इनके बोलने के बाद थोड़ा आगे तो हो गए।